अरे मेरा जो गारंटी है ना, कांग्रेस जैसा गारंटी नहीं है। अभी एक गारंटी राहुल बाबा भी बांट रहे हैं, ये मुफ्त दे देंगे, वो मुफ्त देंगे, वो मुफ्त देंगे। अरे राहुल बाबा भैया, आपने गुजरात में भी गारंटियां बांटी, गुजरात में कांग्रेस पार्टी साफ हो गई। आपने उत्तर प्रदेश में एक गारंटी बांटी, 325 में सिर्फ एक, 425 में सिर्फ एक सीट आई। आपने आसाम में गारंटी बांटी, कांग्रेस साफ। आपने उत्तराखंड में गारंटी बांटी, उत्तराखंड में कांग्रेस हार गई। आपने त्रिपुरा में गारंटी बांटी, त्रिपुरा में हार गए। आपने नागालैंड और मणिपुर में गारंटी बांटी, वहां पर भी हार गए। और मुझे तो अच्छा लगा कि यहाँ पर भी गारंटी बांटने आए हो तो कर्नाटक में भी साफ हो जाएगा। अरे माताओं, भाइयों, बहनों, जिसकी कोई आबरू ही न हो, इसकी गारंटी को कोई मानता है? भला बताओ, मानता है? एक कांग्रेस की सारी गारंटियों का टोटल करो तो कर्नाटक के बजट जितना होता है। अबे राहुल बाबा को मालूम नहीं है, कन्नड़िया सब हिसाब किताब करते हैं, और कित्तूर कर्नाटक वाले तो ज्यादा हिसाब किताब करते हैं भाई। उनको मालूम है कि ये सारा आपका वादा सच हुआ तो मास्टर की तनख्वाह कहां से करोगे? बजट ही नहीं बचेगा। ये हमारे पुलिस भाई खड़े हैं, उनको भी तनख्वाह नहीं मिलेगी। बिजली का बिल कैसे करोगे? विधानसभा कैसे चलाओगे? अरे जरा वादा करते हो तो हिसाब किताब तो देकर करो, हिसाब किताब तो देकर करो। मगर मैं आपको वादा कर जाता हूं, अगर चिक्कोड़ी वालों ने रमेश कट्टी को जिताया तो न केवल चिक्कोड़ी, न केवल कित्तूर कर्नाटका, पूरे कर्नाटक के विकास की जिम्मेदारी प्रधानी नरेंद्र मोदी और कर्नाटक सरकार की। हमारे कर्नाटक को देश का एक नंबर का राज्य बनाने का काम हम प्रधानी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में करेंगे।